हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इसी अवसर पे हम जन्माष्टमी पे कृष्ण जी को चढ़ाते हैं भोग, वो भी पंजीरी का। आज हम बनाएंगे धनिये की पंजीरी। आइए देखते हैं ये बनता कैसे है। धनिये की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून घी, 1 कप मखाना और इसको अच्छे से टोस्ट करेंगे। हमारा मखाना टोस्ट हो चुका है, अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप ग्रेटेड कोकोनट, 1 मिनट तक हम इसको इसमें टोस्ट करेंगे। हमारा कोकोनट टोस्ट हो चुका है, इसे भी हम सेम बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून घी, 2 टेबलस्पून चॉप्ड आलमंड्स, 2 टेबलस्पून चिरौंजी, 2 टेबलस्पून कैशियोस। थोड़ा लो फ्लेम पे इसको भी हम टोस्ट कर लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स भी टोस्ट हो चुके हैं, इसको भी हम सेम बोल में निकाल लेंगे। आप इसमें अपने कोई भी पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको काजू या बादाम दोनों में से कुछ नहीं पसंद है तो आप उसमें से अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून धनिया और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। जब तक आपको इसमें से धनिये की खुशबू ना आने लगे तब तक आप इसको टोस्ट करते रहें। हमारा धनिया टोस्ट हो चुका है अच्छे से, अब हम इसको सेम बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर। अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको चीनी को पीस के उसको छान के बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच इलायची पाउडर और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी पंजीरी रेडी हो चुकी है, आइए इसको चढ़ावे के लिए निकाल लेते हैं। आप भी इसे अपने घर पे बनाएं, अपने कान्हा को खिलाएं। हमें लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। जब तक आपको अब इसमें हम डालेंगे 2 कप और अपने जन्माष्टमी और राधा चंद्री और राधा श्री कृष्ण को चढ़ाएंगे धनिया।